हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक चमकता तारा है और इसका मास पृथ्वी के मास से लगभग 3,33,000 गुना ज़्यादा है। इससे हर सेकेंड 100 बिलियन हाइड्रोजन बमों के जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सूर्य का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण सभी प्लैनेट्स इसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य से निकलने वाली एनर्जी हमारे प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी को गर्म रखती है, जो कि पृथ्वी में जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा? जो पहली चीज़ है वो ये है कि 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य गायब हो गया है, क्योंकि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसलिए पहले की तरह ही सूर्य हमें दिखाई देता रहेगा, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड होने के बाद सूर्य गायब हो जाएगा और सभी ग्रह एक ही दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य के गायब होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहेगी और 8 मिनट 20 सेकंड के बाद अचानक से अंधेरा हो जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि तारे अभी भी चमकेंगे और बिजलियां काम करना जारी रखेगी। जब तक बिजली चलेगी तब तक सभा में रोशनी रहेगी और ग्रह भी थोड़े समय के लिए दिखाई देंगे, लेकिन चाँद हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चाँद सूरज की रोशनी को ही पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब 8 मिनट के बाद पृथ्वी पर एक चीज एक डरावने पड़ाव पर आ जाएगी। सूर्य के प्रकाश के बिना फोटोसिंथेसिस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, वह रुक जाएगा, जिसकी वजह से छोटे पौधे कुछ दिनों में ही मर जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि एक हफ्ते में ही पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और एक साल में पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से ओशियंस यानी महासागरों का पानी ठंडा हो जाएगा और धीरे धीरे सभी महासागरों का पानी बर्फ बन जाएगा, लेकिन ओशियंस का सिर्फ सरफेस ही जमेगा। अगर कोई मनुष्य इस परिवर्तन से बच भी गया तो उसका एकमात्र आश्रय जियोथर्मल वेंट्स यानी जहाँ से पृथ्वी की गर्मी निकलती है उसके पास ही होगा। इस तरह का जीवन पूरी तरह से अंधेरा और अकेलेपन से भरा होगा और यह कह पाना मुश्किल है कि मनुष्य इस परिस्थिति में कितने समय तक जीवित रह पाएगा। दूसरी ओर जियोथर्मल वेंट्स के आसपास रहने वाले जानवर आज सूरज के गायब हो जाने के बाद भी कई सालों तक जीवित रहेंगे, क्योंकि इन जानवरों को रहने के लिए सूरज की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय वे अपने भोजन और एनर्जी को इन जियोथर्मल वेंट्स से निकलने वाली गर्मी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि ज़्यादातर जीवन सूर्य के बिना पृथ्वी से गायब हो जाएगी। जब तक पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट से नहीं टकरा जाती या फिर किसी दूसरे सूर्य जैसे तारे द्वारा ऑर्बिट यानी कक्षा में खींचा ना जाए, तब तक पृथ्वी अंतरिक्ष में बढ़ती चली जाएगी।